Hi, Namaste, welcome back viewers, welcome back to my channel Wing Trader. कंसिस्टेंट प्रॉफिट ट्रेडिंग से कैसे कमाया जाए, यानी कि प्रॉपर एंट्री एक्सिट कहाँ है, यानी कि कौन सी पॉइंट में परफेक्ट रिवर्सल कहाँ पे करना है, ये सब कुछ आपको, यानी कि लाइव ट्रेड जब लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होता है. आज की लाइव मार्केट यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसके ऑप्शन आने और उसके अलावा कमोडिटी क्रूड ऑयल और फॉरेक्स की गोल्ड, यानी कि ये सब कुछ अब मैंने आपको आज लेकर आई, यानी कि परफेक्ट एंट्री और एक्सिट आपको कैसे ले सकते हैं, और उसके अलावा आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट यानी कि प्रॉपर एक्सिट पॉइंट पकड़ लिया है तो आपको काफ़ी मुश्किल, यानी काफ़ी मुश्किल ही नहीं होगा, परफेक्ट ब्रेकआउट यानी कि एंट्री तो मिलेगा फिर भी एक्सिट पकड़ पाना काफ़ी मुश्किल है. कैसे इसमें आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट ट्रेडिंग में, यानी कि ट्रेडिंग में आपको कमा सकते हैं, वो भी टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर इसमें किस तरह आपको हेल्प करेगा, वो सब कुछ आज के लाइव में मैं आपको दिखा रही हूँ. आज के बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेड में किसी को देखूंगी तो आपको, यानी कि काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ था मार्केट गैप में ओपन होने के बाद, एकदम तेजी से नीचे गिरा था निफ्टी, पर बैंक निफ्टी उसमें नीचे नहीं आए थे और सेम आज यानी कि रिवर्सल यानी कि फिर से बाई देकर सीधा मार्केट ऊपर गए थे. बाई दे दूंगी तो भी अप्रोक्सीमेट 100 पॉइंट्स ऊपर जाकर फिर वही लेवल यानी कि नीचे आए थे, एक रेंज में चल रहा था. रेंज मार्केट कैसे पकड़ सकती है, इसमें प्रॉपर ब्रेकआउट आपको कैसे पकड़ना चाहिए, यानी कि कहाँ से एग्जिट करना है. एग्जिट प्रॉपर नहीं करेगा तो आपको पूरा लॉस में हो जाएगा, तो वो पॉइंट पकड़ लिया तो काफ़ी यानी कि लॉस नहीं होगा आपको, परफेक्ट यानी कि आपको ट्रेड लेकर आपको यानी कि लॉस कम कर सकते हो. ओके, तो इसमें हमारा सॉफ्टवेयर कैसे आपको हेल्प करेगा हम आज चेक करते हैं. तो इसमें यहाँ पे देखिए, सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख रही हूँ, तो इसमें ये ग्रीन कलर आप आ रहे बाय है, रेड कलर डाउन आ रहे सेल है. इसमें आज तीन सिग्नल मिला है, मॉर्निंग में एक बाय, उसके बाद एक सेल, फिर अगेन एक बाय. तो इसमें तीनों सिग्नल में से यानी कि दो सिग्नल यानी कि एक सेल और एक बाय प्रॉफिट में आए थे. जैसे सॉफ्टवेयर सिग्नल देते हैं, हर सिग्नल इसमें एंट्री लेने के पहले से आपको कंफर्मेशन चेक करना है. तो यहाँ पे मॉर्निंग में देखिए सेल दिया था, सेल के हिसाब से कैंडल भी रेड थे, नीचे भी रेड थे, प्राइस इन सेल्स ऑन भी था, सपोर्ट भी तोड़ के नीचे आए थे. बाई गैप में ओपन हुआ था, ब्रेकआउट नहीं दिया था, बाई वहाँ से ले नहीं सकते, इनकेस लिया है तो भी आपको वहाँ से एग्जिट के लिए सॉफ्टवेयर ने करेक्ट इंडिफिकेशन यानी कि कलर चेंजेस दिया है. तो सपोर्ट तोड़ के काफ़ी नीचे आए थे, पर यहाँ पे सेल स्ट्रांग नहीं था क्योंकि बैंक निफ्टी के हिसाब से सेल वहाँ पे एक्टिव ही नहीं था, तो कंसोलिडेशन हुआ था, शॉर्ट में कर सकते थे. वहाँ से तीनों टारगेट हिट किया है, तो लास्ट में जो पुल बैक के बाद फिर ब्रेकआउट दिए थे वो सीधा एकदम छटके में नीचे गिरा है. इसमें तीनों टारगेट हिट किया है. ओके, और लास्ट की जो बाइसिकल के हिसाब से भी दो टारगेट यानी कि हिट किया है, तभी हिसाब से देखिए ऊपर 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट हासिल किया, फिर से पुल बैक के बाद ऊपर जा रहा है, री एंट्री दिया है सॉफ्टवेयर ने. तो यहाँ पे सिग्नल कंफर्म होने के बाद ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन के हिसाब से उसके हिसाब से देखूंगी तो अप्रोक्सीमेट 22,456 में ब्रेकआउट हुआ था, तो हमें कॉल ऑप्शन पिक करना है. 200 के हिसाब से मैंने पिक किया था, वहाँ से देखिए पहले ही बाई दिया था, तो हमने ब्रेकआउट देने के बाद यानी कि सिग्नल 216 में मिला है, टारगेट भी दिया है पर कन्फर्म नहीं था. कन्फर्मेशन और ब्रेकआउट इसी कैंडल में हुआ था अप्रोक्सीमेट 257 में, जो ब्रेकआउट सीधा 390.93 तक गए थे, काफ़ी अच्छा ट्रेंड था और दोबारा मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रही है. ओके, किसी को डेमो चाहिए सॉफ्टवेयर कैसे वर्कआउट करते लाइव में जाना है तो कॉल कीजिएगा. तो आज की बैंक निफ्टी के हिसाब से भी ऐसा ही था, मॉर्निंग में बाय ट्रेड वो भी मार्केट पुल बैक के बाद ब्रेकआउट दिया था, छोटा पॉइंट हासिल किया है. तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही बाई साउंड चल रहे थे, दोबारा आपको एंट्री लेना है तो यहाँ से आपको जब सिग्नल दिया था वहाँ पे कंफर्म थे, सेल एक्टिवेट नहीं था तो वहाँ पे ट्रेड ले सकते थे. वहाँ से अप्रोक्सीमेट हमने जो एंट्री पे किया था 47,910 में, तो वहाँ से 48,152 तक आए थे, उसके बाद पुल बैक के बाद अगेन मार्केट ऊपर जा रहे, यानी कि ऊपर ही थे मार्केट, काफ़ी अच्छा ट्रेंड था. बीच में थोड़ा सा डाउन जाने के लिए कोशिश किया था पर वहाँ से सेल एक्टिवेट नहीं हुआ था, वहाँ से सेल ट्रेड नहीं ले सकते थे हम. ओके, तो इसमें डेमो कैसे चाहिए यानी कि सॉफ्टवेयर लाइव में आपको चेक करने के लिए आप कॉल कीजिएगा मुझे. और आपको क्रूड ऑयल देखिए, आज की क्रूड ऑयल में 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेट किया है, मॉर्निंग में लगभग 12 बजे के बाद अप्रोक्सीमेट 7130 में सेल दिया था, वहाँ से छोटा पॉइंट नीचे आए थे और लगभग अप्रोक्सीमेट फर्स्ट आगे रीट होकर मार्केट थोड़ा ऊपर गए थे. अभी पुल बैक यानी कि पुल बैक के बाद फिर से अगेन सेल लेना है तो ले सकते हैं, पर अभी फिलहाल फर्स्ट आगे रीट होकर मार्केट थोड़ा ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रही है, पर वहाँ से बाई ट्रेड नहीं एक्टिव था. ओके, तो ये पुल बैक है. ओके, सेम आपको आज की फॉरेक्स यानी कि गोल्ड में भी आप ऐसे ही है, तो फॉरेक्स की गोल्ड
तो यहाँ पे डबल क्लिक करके मैंने ऐड किया है फॉरेक्सी गोल्ड में। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से हम हमेशा 15 या आपको 15 के ऊपर टाइम फ्रेम, तो कम से कम 31 आवर 4 आवर में एक्यूरेसी है। अभी सेल दिया है, सेल कंफर्म हो रहा है, यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ नहीं है। कैंडल तो ऑरेंज है, नीचे रेड है, एक ही कंफर्मेशन हुआ है, दो कंफर्मेशन बाकी है। तो यहाँ पे 15 के हिसाब से सेट करोगे तो छोटा पोजिशन अप्रोक्सीमेट 2 पॉइंट के हिसाब से नीचे आया है छोटा पॉइंट। अभी सपोर्ट तोड़ दिया तो वहाँ से फिर से नीचे जाएगा। अगर फिर से आपको एंट्री लेना है सपोर्ट तोड़ने के वक्त, आप तुरंत दोबारा एंट्री लेना। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग यूज़, थैंक यू। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कॉल कीजिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, डेमो अटेंड कीजिएगा।